हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एज यू नो देर आर टू लेयर्स विच आर हैविंग द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज इन द सेम एटमॉस्फेयर। वन इज द कोल्डर एंड सेकेंड वन इज द हॉटर। द कोल्डर मीडियम एक्ट एज अ डेंसर मीडियम बट हॉटर मीडियम एक्ट एज अ रेयर मीडियम। तो कोल्डर मीडियम डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, हॉटर मीडियम रेयर मीडियम की तरह। दैट मीन्स इसमें स्पीड ऑफ लाइट आपको क्या मिलेगी, कम, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा। ठीक है, तो इन्हीं फिनोमिना के ऊपर जो बेस्ड है, तो सबसे पहला हमारा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्वेश्चन आता है व्हाई द स्टार्स ट्विंकल्स बट प्लैनेट डू नॉट। स्टार ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करते, ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, जो स्टार्स जो है प्लैनेट से काफ़ी दूर हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार के नज़दीक हैं, बट प्लैनेट जो है हमें बड़े दिखते हैं क्योंकि वो हमारे नज़दीक हैं, और स्टार्स हालांकि प्लैनेट से बड़े हैं फिर भी हमें छोटे दिखते हैं क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है वो हमसे ज़्यादा है। तो जैसे मान लीजिए जो स्टार है, जब स्टार की लाइट स्पेस में आती है, तो एज यू नो कि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तब एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्पेस से जो लाइट आ रही है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। ये मान लीजिए हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप डिफरेंट गैसेस मिलेंगी। लाइट यहाँ तक पहुँच गई जिसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। जैसी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो आपको बहुत सारी इसमें क्या मिलेंगी, कोल्डर मीडियम हॉटर मीडियम, इस तरीके से डेंसर एंड रेयर मीडियम मिलेंगे। डेंसर रेयर मीडियम मिलने की वजह से लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, और जैसे रिफ्रैक्ट करेगी और हमारी आईज तक आएगी, यहाँ क्या आएगी, आईज तक, यानी कि ऑब्जर्वर तक पहुँचेगी। जब ये जो लाइट है ऑब्जर्वर तक आएगी तो कभी अमाउंट ज़्यादा जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है ये किसकी, मीडियम की, कभी तो अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी आईज में ज़्यादा जाएगी, तो कभी ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से अलग अलग मीडियम की, तो कभी लाइट क्या कर जाती है, ये रिफ्रैक्ट करके अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है। तो कभी जब लाइट ज़्यादा जाती है तो हमें स्टार कैसा दिखता है, ब्राइटर, तो कभी जब लाइट कम जाती है तो स्टार हमें कैसा दिखता है, डिम। ये दोनों इफेक्ट, कभी ब्राइट कभी डिम, कभी ब्राइट कभी डिम, बार बार होने की वजह से हमें स्टार क्या दिखता है, ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। लेकिन प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स जो हैं नॉट ट्विंकल। इसका एक रीज़न है कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्योंकि प्लैनेट्स का क्या रहता है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रहते हैं जो कभी तो ब्राइट लाइट एमिट करते हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट साइज सोर्स रहते हैं जो कि लाइट एमिटिंग सोर्स हैं, जो कभी ब्राइट लाइट एमिट करते हैं तो कभी डिम लाइट एमिट करते हैं। ब्राइट लाइट डिम लाइट अलग अलग तरह की लाइट ये एमिट करते हैं। लाइट अलग अलग एमिट करने की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई, ये एक दूसरे के इफेक्ट को। जैसे मान लीजिए ये ब्राइट लाइट का पोर्शन है, ये डिम लाइट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो जैसे ही एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, क्योंकि ब्राइटर जो इफेक्ट है जो कि पॉइंट साइज सोर्स से लाइट का आ रहा है, विच इज़ नलीफाइड बाय द डिमिंग इफेक्ट, ब्राइटर इफेक्ट विल बी नलीफाइड बाय द डिमिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें जो प्लैनेट्स हैं वो क्या दिखेंगे, ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे। दैट्स द रीज़न कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो ये है कि स्टार्स जो हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या दिखेंगे, हाई दिखते हैं जबकि वो इतने हाई होते नहीं हैं, फिर भी हमें वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या दिखते हैं, हाई दिखते हैं। इसका एक रीज़न है, देखिए क्या होता है कि जो एयर जो है जो कि स्काई के अंदर, स्काई जैसे मान लीजिए स्काई है, इसमें जो ऊपर की लेयर है
ऊपर की लेयर आपको क्या मिलेगी, रेयरर, बट जो नीचे की लेयर है वो आपको क्या मिलेगी, डेंसर। ठीक है, जो ऊपर वाली एयर हायर अप इन द स्काई इज रेयरर बट नियरर द अर्थ सरफेस इज डेंसर। ठीक है, तो क्या होगा, द लाइट जो कम आ रही है, जो लाइट आ रही है स्टार से, वो क्या करेगी, डेंसर एयर के अंदर आएगी। ठीक है, डेंसर एयर में आएगी तो वो ज़्यादा बेंडिंग करेगी, बेंडिंग करने की वजह से क्या होगा कि ड्यू टू द रिफ्रैक्शन जो स्टार की पोजीशन है वो थोड़ी सी क्या बनेगी, उसकी जो इमेज है वो क्या बन जाएगी, ऊपर की तरफ बन जाएगी। इसीलिए हमें स्टार्स क्या दिखते हैं, थोड़ा सा अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या दिखते हैं, हमें ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। दैट्स द रीज़न कि हमें जो स्टार्स हैं वो थोड़ा सा अपनी एक्चुअल पोजीशन से हाई दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज द एडवांस्ड सनराइज डिलेड सनसेट। सन जो राइज है वो एडवांस क्यों होता है और सनसेट जो है वो डिले क्यों होता है, इसका एक रीज़न है। देखिए, जो सन है वो कहाँ से आता है, हॉरिजन से। सन कहाँ से आएगा, हॉरिजन से। ये मान लीजिए सन है, इसके आसपास की एयर हमें क्या मिलेगी, हॉटर, और ऊपर की एयर क्या मिलेगी, कोल्डर। तो सन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर बन जाती है, जो इसकी ये क्या बनती है, इमेज। दिस इज द इमेज ऑफ द सन विच शोज स्लाइटली अबव फ्रॉम द हॉरिजन, जिसकी वजह से हमें जो सन है वो 2 मिनट क्या दिख जाता है, बिफोर। ये 2 मिनट्स क्या दिख जाएगा हमें, बिफोर। 2 मिनट पहले हमें जो इमेज है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब उल्टा इस केस में क्या होगा, डिलेड सनसेट, अब 2 मिनट ये पहले दिखाई देने लग जाएगी, दिस इज द हॉरिजन। अब जो सन है वो सेट होने वाला है, दिस इज द सन, एंड अब इसके केस में क्या होगा, यही वही ब्राइट हॉटर एयर और नीचे कैसी लेयर होगी, कोल्डर लेयर। तो सन का फिर से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सन में रिफ्रैक्शन होने की वजह से फिर से इसकी इमेज क्या बन जाएगी, नीचे। तो इसमें इसकी इमेज क्या चली जाती है, पहले नीचे, लेकिन एक्चुअल में सन क्या होता है, अभी ऊपर। तो उसको नीचे जाने में क्या लगेगा, फिर से 2 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो टोटल कितना होगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 मिनट्स का इनके बीच में क्या मिल गया हमें, गैप। तो 2 मिनट्स एडवांस सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनसेट, ये इसका रीजन है। अब इसके अंदर एक बात और है कि जो ओवरहेड जब हमें सन दिख रहा होता है तब हमें वो 2 मिनट का गैप क्यों नहीं दिखाई देता, मीन सनराइज होने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों, बिकॉज सन की जो हीट है वो सारे एनवायरनमेंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो है एनर्जी है वो सारे एनवायरनमेंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से हमें जो सन है वो अब सिंगल ही दिखाई देगा, उसकी इमेज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मीडियम जो है अब वो एक जैसा हो गया है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि मीडियम जो है वो अब हॉटर हो चुका है, कोल्डर मीडियम क्या हो गया, अब उसका खत्म हो गया है। तो अब ये क्या कहलाएगा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। देखो, स्कैटरिंग का मतलब डिस्पर्जन नहीं होता, स्कैटरिंग का मतलब होता है थ्रो लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस, थ्रो लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट को थ्रो करना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो वाइट लाइट है जो सन से आ रही है वो पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करती है उसकी स्कैटरिंग, कि अलग अलग जो कलर्स हैं वो अलग अलग पार्टिकल की हेल्प से स्कैटर होते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे टिंडल इफेक्ट, टिंडल्स इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टिंडल इफेक्ट, कि जब भी कोई लाइट या वाइट लाइट, कहते हैं हम कि कोलॉइड और या सस्पेंशन के पार्टिकल से टकरा करके जाती है, जब भी कोई वाइट लाइट कोलॉइड या सस्पेंशन के पार्टिकल से टकरा करके जाती है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करती है, विच विल शोज द टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगी, क्यों, कैसे करेगी, इसके बारे में हम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक कोलॉइड है, मीडियम है, जिसके अंदर ये मीडियम है, और एक वाइट लाइट यानी कि टॉर्च इधर से लाइट आ रही है, जैसे ही इसमें से निकलेगी क्या करेगी, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो जाएंगी, स्कैटर। इसी इफेक्ट का नाम क्या है, टिंडल इफेक्ट। इस टिंडल इफेक्ट का कि हमारे इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो है इसका काफ़ी रोल है। आपने देखा होगा
ये मिस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं जिसकी वजह से जो कैनोपी में से लाइट आती है सन की, वो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। दैट शोज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद अलग अलग पार्टिकल की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, डस्ट पार्टिकल्स की। डस्ट पार्टिकल्स एंड कौन सा पार्टिकल, मिस्ट पार्टिकल्स। मिस्ट मीन्स ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही होती हैं, मिस्ट पार्टिकल्स, इन सब की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स और ये मिस्ट पार्टिकल्स, इन पार्टिकल का साइज क्या होता है, लार्ज। इन पार्टिकल का साइज क्या मिलेगा आपको, लार्ज मिलेगा। मीन्स द डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमोसफेयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज से इनका जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। यानी कि जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, किसकी, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से जो पार्टिकल का साइज है वो क्या मिलता है, बड़ा मिलता है। जिसकी वजह से जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो सन की लाइट को क्या कर देंगे, ये स्कैटर कर देंगे। लेकिन जब वापस रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आती है या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में वापस आती है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो कलर्स वापस क्या हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल वाटर पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट है वो वापस अगेन आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर जाती है, कंबाइन कर जाती है। कंबाइन करने की वजह से ये जो स्कैटर्ड लाइट है हमें क्या दिखती है, फिर से वाइट ही दिखती है। मीन्स हमें फिर से क्या दिखते हैं, उसके कलर्स अलग अलग ना दिख के डिफरेंट कलर्स जो वाइट लाइट के हैं वो डस्ट और वाटर पार्टिकल से टकराने के बाद सभी एक वाइट लाइट में ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्कैटरिंग होती है डस्ट और मिस्ट पार्टिकल की वजह से वो वापस हमें वाइट कलर ही क्या करती है, लाइट की उससे अपीयर होती है। लेकिन जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स में कौन कौन आ जाएंगी, एयर मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले आ जाएगी नाइट्रोजन गैस और दूसरी ऑक्सीजन गैस, जो कि 99% गैस को कवर करते हैं, 78 and 21, तो इनका रेशियो रहता है। तो इनको ये जो है एटमॉस्फेयर में इनकी जो ये स्मॉलर होती हैं, इससे वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल लाइट, ये जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की उसके साइज में ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। वेवलेंथ से क्या रहते हैं, इनका साइज स्मॉलर रहता है, जिसकी वजह से जो वाइट लाइट है उनमें डिफरेंट वेवलेंथ की जो अलग अलग लाइट्स हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं अलग अलग तरीके से, जिसकी वजह से लाइट जो है वो सारी की सारी जो है हायर वेवलेंथ वाली या जो कह सकते हैं कि लोअर वेवलेंथ वाली, तो मेनली लोअर वेवलेंथ वाली जो लाइट है, जो कि कौन सी है, मेनली हम कौन सी लेते हैं, ब्लू कलर, वो क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाता है। लेकिन रेड कलर स्कैटर नहीं हो पाता बिकॉज उसकी वेवलेंथ क्या है, हायर। हायर वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की, वो स्कैटर नहीं हो पाता। अब देखिए, लेकिन ब्लू से पहले वायलेट एंड इंडिगो कलर्स भी आते हैं। वायलेट इंडिगो कलर्स जो हैं वो इतने स्कैटर नहीं हो पाते, इसका भी एक रीज़न है क्योंकि वायलेट और जो इंडिगो कलर हैं वो वायलेट और इंडिगो कलर्स सन की लाइट के अंदर ऑलरेडी ही क्या होते हैं, कम होते हैं। वायलेट इंडिगो कलर कम होने की वजह से नेचुरल सी बात है कि वो उतने स्कैटर ही नहीं होते और हमारी आईज तक भी नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से हमारी आईज तक कौन सा कलर पहुंचता है, ओनली ब्लू कलर पहुंचता है। तो हम ये कह सकते हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, लोअर वेवलेंथ होती है, वो ब्लू कलर जो कि फटाफट स्कैटर हो जाएगा, और जो हायर वेवलेंथ है रेड कलर वो स्कैटर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कलर ऑफ द स्कैटर्ड जो लाइट है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल और जो है वो तो वापस वाइट लाइट ही बनाएंगे, लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, हायर लोअर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कर देंगे, लेकिन हायर वाली को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। तो इसी पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्काई इज ब्लू, स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है। तो इसका एक छोटा सा रीजन है कि स्काई इसलिए ब्लू दिखता है क्योंकि स्काई के अंदर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी गैसेस हैं, कौन सी गैसेस, वही ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, जैसे ही इसमें से जो लाइट पास होगी, लाइट इसके अंदर से जाएगी, तो जो रेड कलर होगा जिसकी वेवलेंथ क्या अभी मैंने बताई थी,
हाई वो तो स्कैटर नहीं होगी, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ जैसे कि कौन सा कलर, ब्लू कलर, वो क्या होगा, मोर स्कैटर हो जाएगा हर डायरेक्शन में। जब हर डायरेक्शन में ब्लू कलर ही ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा तो ऑब्जर्वर की आईज तक, ये ऑब्जर्वर की जो आई होगी वहां तक कौन सी लाइट पहुंचेगी, ब्लू कलर आसानी से पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से हमें स्काई का कलर कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि अगर हम किसी स्पेस से, अगर हमारे अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या हमें अलग अलग कोई कलर दिखते, तो देयर वुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एंड इन दैट केस नो लाइट फ्रॉम द स्काई वुड हैव एंटर्ड इनटू आवर आईज एंड स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क एंड ब्लैक। तो हमें वो कैसा दिखता, ब्लैक दिखाई देता, क्योंकि उस टाइम कोई भी मीडियम हमारे आसपास नहीं होता, इसलिए हमें स्काई का कलर कैसा दिखता, हमेशा ब्लैक दिखता। तो ये तो था आपका इससे रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन आता है कि डेंजर सिग्नल वो किस कलर के होते हैं, तो वो रेड कलर के होते हैं। इसका भी एक रीजन है कि डेंजर सिग्नल में रेड कलर ही क्यों रखा गया, कोई और कलर क्यों नहीं। एज यू नो कि डेंजर सिग्नल रेड है, तो हायर वेवलेंथ है इनकी रेड कलर की, तो ये इनकी स्कैटरिंग क्या होती है, लीस्ट, क्या होती है, लीस्ट स्कैटरिंग। इनकी स्कैटरिंग आपको क्या मिलेगी, सबसे कम। तो जब स्कैटरिंग कम है तो ये डायरेक्ट हमारी कहां तक पहुंच जाएंगे, आईज तक पहुंच जाएंगे। कौन से कलर, रेड कलर, हमारी जस्ट सीधा आंखों तक पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका स्कैटर क्या होता है, स्कैटरिंग का सबसे कम, बाकी सारा कलर तो स्कैटर हो जाता है, ये स्कैटर नहीं होता। तो एक ट्रेन के अंदर पर्सन को दूर से ही रेड सिग्नल दिख जाता है कि उसको ट्रेन जो है वो स्टॉप करनी है, क्योंकि ट्रेन में जो ब्रेक्स हैं वो पहले ही अप्लाई करने पड़ते हैं, मौके पे ट्रेन पे ब्रेक नहीं लगते, इसीलिए इसको रेड बनाया गया है, ताकि जो है हमारे को दूर से ही रेड कलर दिखाई दे जाए। सो डेंजर कलर, जो डेंजर का सिग्नल है या कोई रेड लाइट का सिग्नल है, वो हमेशा रेड ही होता है, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, दैट इज द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम में सन हमें रेड क्यों दिखाई देता है, तो देखिए मान लेते हैं हम यहाँ से ये जो सन है वो कहाँ से आने वाला है, अभी सनराइज होने वाला है, जो कि सन है वो नियर हॉरिजन है, ये किसके नज़दीक है, हॉरिजन के नज़दीक है सन, अभी सनराइज करेगा और सनराइज करके ये क्या जाएगा, ओवरहेड जाएगा, तो सन जो है यहाँ आ गया। यहाँ एक पर्सन है जो कि इसको क्या कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, किसको, इस सनराइज सनसेट को विजुअलाइज कर रहा है, तो ये पर्सन इसको देख रहा है। तो आप खुद देखो यहाँ तक की डिस्टेंस और इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस। अब ये सन ओवरहेड आ गया, ओवरहेड आने के बाद ये जो सन है वो फिर से नीचे जाएगा। ठीक है जी, जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पर सन आ गया फिर से। ठीक, अब जब सन यहाँ पर आ गया तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इनका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, अब जो ये सन है ये तो अभी नियर हॉरिजन है, ये सनसेट यहाँ से क्या हो रहा है, सनसेट। अब ये भी क्या होगा, सनसेट के टाइम में नियर हॉरिजन होगा, ये भी क्या होगा, सनसेट के टाइम में नियर हॉरिजन होगा। अब देखो होगा क्या कि इसका मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाता है, मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर, मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर क्या हो जाता है, स्कैटर। बिकॉज यहां से आप देखोगे तो इसका डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा है तो मेनली जो रेड लाइट है वो हमारे पास पहुंचती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर, मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर क्या हो जाता है, फैल जाता है, मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर फैल जाता है, और ये क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें रेड कलर बचता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ हाई है, तो ये स्कैटर नहीं होता बल्कि डायरेक्ट इस ऑब्जर्वर, ये कौन है यहाँ पर, ऑब्जर्वर की आईज तक क्या होएगा, डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हमें जो सुबह और शाम के टाइम में सन का जो कलर है वो रेड दिखाई देगा, यहाँ पर भी क्या दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा सन का, ये कौन है, सन है, सन का कलर क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो डिस्टेंस क्या है, शॉर्टर, ये जो शॉर्टर डिस्टेंस होने की वजह से
जो लिटल ऑफ द ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो पाती है, जिसकी वजह से मिक्सचर ऑफ कलर ये पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो लाइट है वो कम्प्लीटली क्या नहीं हो पाती, स्कैटर ही नहीं हो पाती, इसीलिए हमें सन का जो कलर है वो कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। तो यही रीज़न है कि ओवरहेड के टाइम में हमें और नून के टाइम में सन हमें कैसा दिखता है, वाइट दिखता है, लेकिन सुबह और शाम के टाइम में क्या दिखता है हमें, मच लार्जर डिस्टेंस की वजह से रेड दिखता है। दैट्स इट फॉर टुडे, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।